हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश वाला। होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। यू नो वेल, सिंपल पास्ट टेंस कितना इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं तो आपसे जरूर ये सवाल पूछा जाता है, टेल मी समथिंग अबाउट योर यस्टरडे रूटीन, या टेल मी समथिंग अबाउट योर स्कूल लाइफ के बारे में बताएं। या फिर कभी ऐसे सवाल भी आ जाते हैं आपके सामने कि टेल मी समथिंग अबाउट योर लास्ट संडे, या हाउ डिड यू स्पेंड योर लास्ट संडे, आपने अपना लास्ट संडे कैसे बिताया। तो ये सारी चीजें पूछने का मतलब ये है कि आप कितना अच्छे तरीके से आप पास्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपल पास्ट टेंस का आना या उसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और सिंपल पास्ट टेंस आपको पता है, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस करा था, प्रेजेंट सिंपल भी बोलते हैं हम लोग, वैसे ही प्रेजेंट पास्ट सिंपल भी बोल सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आज देखिए, सिंपल पास्ट, पास्ट सिंपल टेंस भी यहाँ पे लिख रखा है मैंने, और पास्ट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं इसको, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस में करना क्या है, हमें बहुत इजी है, बहुत शॉर्ट स्ट्रक्चर है, बट प्रैक्टिस की जरूरत है। यहाँ पे सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट का यूज करना या सब्जेक्ट का होना जरूरी है। फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, जो वर्ब की सेकेंड थर्ड फॉर्म हम लोग याद कर रहे हैं, या लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया भी है और डिस्कस भी किया हम लोगों ने वर्ब की फॉर्म्स, तो वैसे यहाँ पे वर्ब की फॉर्म्स आनी चाहिए। कई बार वर्ब की फॉर्म्स नहीं पता होती है तो हमें प्रॉब्लम होती है। फिर उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट यूज करना, मतलब कहेगा कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, बस तीन वर्ड है, तीन लेटर है कह सकते हैं, इसमें ही आपको सारे पास्ट की चीजें डिस्क्राइब हो जाएंगी। हिंदी की पहचान आइडेंटिफिकेशन अगर देखें तो यहाँ पे ता था, ते थे, ती थी, अगर सेंटेंस में जैसे मैं करता था, मैं जानता था, आप जानते थे, या वो लोग यहाँ आते थे, मैं, हम लोग वहां पे जाते थे, तो इस तरह के सेंटेंसेस है। कोई भी कुछ करती थी, जैसे मैंने कहा वो मुझे जानती थी, हम लोग उसे जानते थे, तो ऐसे सेंटेंस, कोई भी कुछ करता था, करते थे, करती थी, तो वहां पे सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे हिंदी के हिसाब से अगर देखते हैं तो। अब आते हैं हम लोग इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश के हिसाब से अगर देखते हैं तो पास्ट की हैबिट जहां पे भी शो होती हो, पास्ट की रूटीन जहां पे शो होती हो, वहां पे सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस यूज करते हैं। जैसे क्या होता है ना, कई बार हम लोग जब इंग्लिश बोलते हैं, कई बार क्या इंग्लिश जब बोलते हैं तो ये नहीं देखते कि हिंदी में पहचान क्या हो रही है, बस ये ध्यान रखते हैं कि पास्ट में बात हो रही है, प्रेजेंट में, अभी बात कर रहे हैं सुबह की, या कल की बात कर रहे हैं, तो आप देखें कि वो चीजें बीत गई है, हो गया है, तो उसके लिए हम लोग सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं। अगर हिंदी के हिसाब से देखते हैं तो कुछ हिंदी सेंटेंस पहले लिख लेते हैं। देखते हैं सेंटेंसेस ये हैं, मैं वहां जाता था, वैसे ही वह क्रिकेट खेलता था, हम लोग स्कूल जाते थे, मैं होमवर्क करता था, मेरे पापा मुझे स्कूल छोड़ते थे, तो सारी चीजें पास्ट की बात हो रही हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा मैं वहां जाता था, तो आपको देखना है सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, वह, सब्जेक्ट मैं हूँ, सॉरी, मैं की इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई। अब आई है तो उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करना है। जाता था, जाना, तो जाना की गो है, तो गो की सेकेंड फॉर्म क्या होगी, वेंट, आई वेंट। अब बचा ऑब्जेक्ट देयर, तो आई वेंट देयर, मैं वहां जाता था, तो ये पास्ट की बात पर चल रही, पास्ट आप कहने हैबिट पर चल रही है, बहुत पहले की बात पर चल रही, मैं वहां जाता था। अब जाता हूँ या नहीं जाता हूँ, आगे के सेंटेंस से क्लियर होगा, तो मैंने कहा मैं वहां जाता था, तो हिंदी में भी पता है ता था आ जा रही है, ठीक है, करता था, करते थे, हो जा रहा है, और इंग्लिश के हिसाब से भी देखें तो मैं वहां जाता था, पास्ट की हैबिट पता चल रही है। वैसे ही यहाँ पे मैंने कहा कि वह क्रिकेट खेलता था, तो पहले की बात हो रही है, तो क्या बोलेंगे, ही, अब प्ले की सेकेंड फॉर्म, played, he played cricket, यहाँ पे भी वही चीज है, सब्जेक्ट पहले कौन है, तो वह, और वर्ब चाहिए, तो वर्ब कौन है इसमें, खेलना, खेलना की सेकेंड फॉर्म प्ले, खेलना होता है, प्ले की सेकेंड फॉर्म played, उसके बाद बचा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, तो वह क्रिकेट खेलता था, he played cricket। अगर आप ये इंग्लिश बोल दो, played नहीं बोलते हैं, आप बोल रहे हैं he played cricket, he plays cricket, तो ये प्रेजेंट में हो जाएगा ना कि वह क्रिकेट खेलता है। फिर कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट में खेलता है या खेलता था, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक वर्ब की सेकेंड फॉर्म की वजह से मीनिंग पूरी बदल जाती है, कि आप पास्ट में बात कर रहे हैं या प्रेजेंट में बात कर रहे हैं। इसीलिए ज्यादातर इंटरव्यूज में आपसे जरूर पास्ट के बारे में पूछा जाता है, आप कुछ ही क्या था कि आप पास्ट को ठीक से बोल पाते हैं या नहीं बोल पाते हैं। नेक्स्ट है, हम लोग स्कूल जाते थे, तो अब ये पहले की बात हो रही है, तो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, हम लोग की इंग्लिश भी हो जाएगी। अब हमें चाहिए वर्ब, वर्ब कौन है इसमें, जाना, तो गो की सेकेंड फॉर्म, गो में जाना होता है, तो गो की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, वेंट, वी वेंट। अब कहाँ जाते थे, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, तो वी वेंट टू स्कूल। अगर आप सेंटेंस थोड़ा सा यहाँ पे और ऐड कर दें कि हम लोग स्कूल रोजाना जाते थे, या रोजाना हम लोग स्कूल जाते थे, तो या पंक्चुअलिटी पाबंदी के साथ स्कूल जाते थे, तो वी वेंट टू स्कूल पंक्चुअली, विद पंक्चुअलिटी, ठीक है। नेक्स्ट है, हम, मैं होमवर्क करता था, अब मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, मैं होमवर्क करता था, तो आई, सब्जेक्ट मैं हूँ, वर्ब की सेकेंड फॉर्म करना, तो डू की सेकेंड फॉर्म डिड हो जाएगी फ्रेंड्स, आई डिड, और क्या, होमवर्क, तो आई डिड द होमवर्क, I did the homework।
अगर यहाँ पे आप कंप्लीट यूज करते हैं, कंप्लीट की सेकंड थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, आई कंप्लीटेड द होमवर्क। मेरे पापा मुझे स्कूल छोड़ते थे, अब मैं पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पापा यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, अब सेंटेंस थोड़ा बड़ा हो गया तो इसे घबराना नहीं है आपको, सेंटेंस बड़ा हो गया, बस देखना है आपको, याद रखना है या समझना है कि सब्जेक्ट के बाद मुझे वर्ब यूज करना है और उसके बाद जो बचा उसको हम निपटा लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है बिल्कुल। तो मैं क्या बोला, मेरे पापा मुझे स्कूल छोड़ते थे, तो माई फादर क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है, आई फादर नहीं बोला, माई फादर, राइट, माई फादर। और वर्ब की सेकेंड फॉर्म कौन है, वर्ब छोड़ना, तो यहाँ पे किसी को कहीं छोड़ना पहुंचाना तो ड्रॉप होता है, तो ड्रॉप की सेकेंड फॉर्म क्या यूज करेंगे, ड्रॉप, राइट, बहुत कॉमन वर्ड है, हर आदमी आजकल इंग्लिश में बोल लेता है, आई उसको ड्रॉप कर दिया मैंने, तो क्या होगा, माई फादर ड्रॉप्ड। अब किसको ऑब्जेक्ट कौन है, कहाँ छोड़ते थे, तो माई फादर ड्रॉप्ड। अब मैं अपनी बात करूँ, मेरे पापा मुझे स्कूल छोड़ते थे, तो मी पहले अगर कर दें, माई फादर ड्रॉप्ड मी कहाँ छोड़ते थे, स्कूल, तो माई फादर ड्रॉप्ड मी एट स्कूल, रोजाना तो डेली। अब उसने सेंटेंस आगे उसने मुझे बताया, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा हिंदी लास्ट में बदल गई, मैंने इसलिए सब सेंटेंस को एक साथ रखा है, उसने मुझे बताया, अब लास्ट में यह आ गया, यहाँ पे वह कल चला गया, लास्ट में यह आ गया, चला गया है नहीं है, ठीक है। कल एक बस ट्रक से टकरा गई, तो यहाँ पे ई आ रहा है, ठीक है। कल मैं देर से उठा, तो यहाँ पे थोड़ा सेंटेंस गा आ जा रहा है, ठीक है। कल मैंने नाश्ता 10 बजे लिया खाया, तो लास्ट में यहाँ पे यह आ जा रहा है, कहीं पे या आ रहा है, कहीं पे ई आ रही है, कहाँ कहीं पे गा भी आ गया है, बट यहाँ पे सेंटेंस को थोड़ा गौर से देखें तो बात कब की हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, पास्ट एक्शन। तो कहने का मतलब ये है कि पास्ट हैबिट, पास्ट रूटीन के साथ साथ अगर पास्ट का एक्शन पता चले, पास्ट का काम, चाहे पास्ट का एक्शन मतलब अभी 2 मिनट पहले की बात हो रही है, 2 घंटा पहले की बात हो रही है, 2 साल पहले की बात हो रही है, तो वहां पे बिल्कुल आपको आंख बंद करके सिंपल पास्ट टेंस यूज करना है। जैसे अब यहाँ सेंटेंस है, उसने मुझे बताया, किसने बताया, उसने, राइट, तो ही, अब टेल बताना, तो टेल की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, टोल्ड, ही टोल्ड मी, ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे। वह कल चला गया, कल मैंने जरूर यहाँ पे मेंशन किया ताकि पता चले कि पास्ट की बात हो रही है, कल जो यस्टरडे था, तो मैंने कहा वह कल चला गया, तो सब्जेक्ट कौन है, पहले ही है, ही के बाद क्या लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म, चला गया, जाना की इंग्लिश क्या हो रही है, गो, तो उसकी सेकंड फॉर्म क्या बोलेंगे, वेंट, ही वेंट। अब कब चला गया, कल जो बीत गया, तो यहाँ पे वर्ड या क्या होगा, नेक्स्ट, यस्टरडे, ही वेंट यस्टरडे, वह कल चला गया। अब ये नहीं कि ही वेंट टुमारो, टुमारो आने वाले की बात होती है, तो टुमारो जब यूज करेंगे तो वो फ्यूचर की बात हो जाएगी, ठीक है। तो अभी फ्यूचर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पास्ट की बात हो रही है, वह कल चला गया, ही वेंट यस्टरडे, एग्जैक्टली। नेक्स्ट सेंटेंस है, कल एक बस ट्रक से टकरा गई, अक्सर न्यूज वगैरह में देखते हैं, ठीक है। तो कल तो हम बाद में देख लेंगे, टाइम को बाद में यूज करना, पहले देखना सब्जेक्ट कौन है, यहाँ पे कौन टकरा गया, एक बस, तो सब्जेक्ट कौन है, अ बस, अ बस। वर्ब क्या इसमें है, टकराना, टकराना की इंग्लिश क्या होती है, कोलाइड। अब कोलाइड की सेकेंड फॉर्म रेगुलर वर्ब है, तो बी लगा देना, कोलाइडेड, अ बस कोलाइडेड, कोलाइड है तो प्रीपोजिशन विद रहेगा, तो अ बस कोलाइडेड विद अ ट्रक। ऐसी सेंटेंस अगर आ जाए कि एक बस या ट्रक ट्रेन से टकरा गई, तो क्या बोलेंगे, अ ट्रक कोलाइडेड विद अ ट्रेन। बहुत कम ऐसा केस होता है, लेकिन अगर अक्सर आप सुनने को मिलता है कि अ बस कोलाइडेड विद अ ट्रक, एक कार एक ट्रक से टकरा गई, तो क्या बोलेंगे, अ कार कोलाइडेड विद अ ट्रक, 5 लोग उसमें मर गए, तो ये भी पास्ट की बात हो रही है, तो क्या बोलेंगे, 5 people died, ठीक है, ऑन द स्पॉट, 5 लोग जख्मी हो गए, तो ऐसे सेंटेंस पास्ट में है। जितने भी आप देखेंगे इस तरह की न्यूज जो आती है, वो सारे किसमें होती है, सिंपल पास्ट टेंस में होती है, तो इसलिए इस पे थोड़ा हमें ज्यादा फोकस करना है, राइट। नेक्स्ट है, कल मैं देर से जगा, कल बात पहले की बोल रहा हूँ, हिंदी कुछ भी आ जाए, बस ये देखना कब की बात हो रही है, राइट। तो कल मैं देर से जगा, तो कहा आ रहा, तो ये नहीं कि जब आई विल फ्यूचर की बात करेंगे, नहीं, कल देर से जगह जो बीत गया उसकी बात कर रहा हूं मैं, तो कल की इंग्लिश बाद में यूज करेंगे। अच्छा, यहाँ पे भी कल छोड़ दिया, सॉरी, अब बस कोलाइडेड विद अ ट्रक, अब यस्टरडे जो है बाद में यूज कर लें, यस्टरडे मैं पहले भी यूज कर सकता था, लेकिन आपके वजह से, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि क्या होता है कि यस्टरडे कोलाइडेड विद अ ट्रक कर देते हैं, तो यस्टरडे नहीं टकराएगा ट्रक, कौन टकराना वो देखते हैं, यस्टरडे कल थोड़ी ना किससे टकराना, राइट। तो ट्रक टकरा गई, बस टकरा गई, ठीक है, तो उसके लिए बोले अ बस कोलाइडेड विद अ ट्रक, ट्रक टकरा गया तो ठीक है, बस टकरा गई तो उसके लिए फिर यहाँ पे सब्जेक्ट ये है। कल बाद में बोल दे, पहले भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन पहले मैंने नहीं यूज करा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, सब्जेक्ट को पहचानना जरूरी है। वैसे यहाँ पे भी है, कल मैं देर से जगा, तो आप चाहे कल पहले भी लिख लें, बाद में भी लिख लें, अगर लिख भी दिया यस्टरडे या बोल दिया यस्टरडे, लेकिन यस्टरडे सब्जेक्ट नहीं है, टाइम बता रहे हैं, सब्जेक्ट कौन है इसमें,
यहाँ पे मैं देर से जगा तो मैं की इंग्लिश क्या हो जाएगी आई, और सब्जेक्ट कौन है इसमें, देर से जगना उठना, तो अवेक की सेकेंड फॉर्म क्या होगी, अवोक, राइट। सेकेंड फॉर्म याद होना, बिल्कुल याद नहीं, रट के रखना है जब बोलना आपको इंग्लिश में है ना, तो सेकेंड फॉर्म बिल्कुल रट कर होना, रटा हुआ होना चाहिए, तभी आपकी जुबान पे जल्दी से आएगा, आप किसी के सामने कॉन्फिडेंटली बोल पाएंगे। यहाँ लिखा है मैंने कि यस्टरडे आई अवोक, कल मैं देर से जगा, तो देर से तो क्या बोलेंगे, यस्टरडे आई अवोक लेट। ऐसे ही सेंटेंस आगे है, कल मैंने नाश्ता 10 बजे लिया या 10 बजे खाया, कुछ भी, नाश्ता किया, खाया, कुछ भी बोलते हो, हमें इंग्लिश से मतलब है यहाँ पे। कल की बात तो यस्टरडे पहले बोल दें, बाद में बोल दें, बट सब्जेक्ट कौन है इसमें, मैंने, तो आई की इंग्लिश आई, मैं की इंग्लिश आई हो जाएगी। नाश्ता 10 बजे लिया, तो यहाँ पे वर्ब सेकेंड फॉर्म है, तो नाश्ता लेना, लेना अगर आप टेक बोलते हैं तो टेक की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, टुक, आई टुक। अब क्या लिया, नाश्ता, तो नाश्ते की इंग्लिश क्या हो जाएगी, ब्रेकफास्ट, राइट, ब्रेकफास्ट नॉट ब्रेकफास्ट, यस, आई टुक ब्रेकफास्ट 10 बजे, तो क्या बोलेंगे, एट 10 am, अब यस्टरडे मैंने पहले, मैं ऐड कर सकता हूँ बाद में भी, तो आई टुक ब्रेकफास्ट यस्टरडे एट 10 am, राइट, एट 10 am यस्टरडे, यस्टरडे पहले बोल दें, यस्टरडे आई टुक ब्रेकफास्ट एट 10 am, कल मैंने नाश्ता 10 बजे लिया या 10 बजे खाया। अब यहाँ पे टेक की सेकंड फॉर्म टुक यूज कर लिया है, अगर हैव मतलब लेना होता तो हैव की सेकंड फॉर्म हैड भी यूज कर सकते हैं, आई हैड ब्रेकफास्ट एट 10 am यस्टरडे। ऐसे ही कई सेंटेंस हो जाते हैं, जैसे मैंने कल मेरी उनसे बात हुई थी, आई हैड अ वर्ड विद हिम यस्टरडे, तो ऐसे सेंटेंसेस जो पास्ट के बारे में बता रहा हो, पास्ट के बारे में एक्सप्लेन करना हो, तो हमें सिंपल पास्ट टेंस यूज करना है। जैसे मैंने कहा कि हाँ मैंने उनकी वीडियो देखी कल, तो आई, अब वॉच अगर, तो वॉच की सेकंड फॉर्म वॉच्ड, आई वॉच, सचिन ने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए या बनाया, ठीक है, तो वहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, हाँ उसने कल बहुत अच्छा खेला, तो क्या बोलेंगे, ही प्लेड वेरी वेल, ही प्लेड यू नो फैंटास्टिक क्रिकेट यस्टरडे, तो इस तरह के सेंटेंस होते, तो वहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब आप कल की बात बता रहे हैं, हाँ कल मैं 10 बजे उठा, फ्रेश हुआ, नाश्ता लिया, तो उसके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस, यस्टरडे आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 8 am, 6 am, मैं फ्रेश हुआ, तो क्या बोलेंगे, आई गॉट फ्रेश, नाश्ता लिया तो हैड ब्रेकफास्ट या टुक ब्रेकफास्ट, तैयार हुआ तो क्या बोलेंगे, गॉट रेडी। कोई कहते हैं कल आपने इवनिंग में क्या किया, तो आपने कहा कि यार इवनिंग में आई वेंट आउट, बाहर गया, तो गो बी सेकंड फॉर्म, वेंट, आई वेंट आउट एंड मेट विद सम फ्रेंड्स, कुछ दोस्तों से मिला, एंड देन इन द इवनिंग एट 8 pm रिटर्न टू माय होम, और मैं घर वापस आ गया। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें कुछ भी पास्ट में किया, तो ऐसे आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहें और लिखते रहें। आपको होमवर्क मैं आपको आगे देता हूं कि आप यस्टरडे रूटीन, कल की रूटीन पहले हिंदी में लिख लें, फिर उसे इंग्लिश में लिखें, और उसे एक दो बार बोलें, प्रैक्टिस करें। हिंदी में अगर नहीं भी लिखते हैं, बस हिंदी सेंटेंस सोचें और इंग्लिश में लिखते जाएं, आपको सब्जेक्ट और सेकंड फॉर्म यूज करते जाना है, बस आपको सेकंड फॉर्म याद होना चाहिए। आप वैसे ही आप लिख कर उसे एक दो बार तीन बार प्रैक्टिस करें, मिरर के सामने बोलें, या आप अपना मोबाइल सामने रख के उसे वीडियो रिकॉर्ड कर लें, बाद में देखें कि आप क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है, क्या वर्ड गलत बोला है, तो इससे आपके काफ़ी कॉन्फिडेंस यू नो इम्प्रूव। कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप लर्निंग, सीखते भी रहें, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कॉमेंट में लिख सकते हैं, और बेल आइकन जरूर दबाएँ।